यहाँ बावे में श्री राजीव चाडक जी के घर में उनके परिवार की ओर से और यहाँ के संगठन की ओर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये राशन दे रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये एक मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और उसी क्रम में राजीव जी ने आज ये आयोजन किया है। इन्होंने मुझे बताया कि पहले भी इन्होंने यहाँ सैनिटाइज़र मास्क बांटे और आज इन्होंने यहाँ ड्राई राशन जो है ये ज़रूरतमंदों को बांट रहे हैं, जो दहाड़ीदार है, जो दिन में मजदूरी करते हैं, कई कारणों से उनकी मजदूरियाँ रुक गई थी, लॉकडाउन लगा था, उनकी अच्छी देखभाल हो, वो भी अपने घर में ठीक दो समय का खाना खा सके, मुझे लगता है कि इनकी पहल बहुत अच्छी है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, मैं इनको बधाई देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जम्मू में जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से लोगों का निजात हो, लोग इससे बचें, लोग इसकी इन्फेक्शन से दूर रहे और जो नियमावली है, जो नियम है, जो SOPs बने हुए हैं कि मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना, भीड़ भाड़ में इकट्ठा नहीं होना, वो हम बरकरार रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की ज़रूरतमंदों की सेवा ये करती रहेगी, यही मेरा कहना है। यहाँ बावे में श्री राजीव चाडक जी के घर में उनके परिवार की ओर से और यहाँ के संगठन की ओर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये राशन दे रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये एक मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और उसी क्रम में राजीव जी ने आज ये आयोजन किया है। इन्होंने मुझे बताया कि पहले भी इन्होंने यहाँ सैनिटाइज़र मास्क बांटे और आज इन्होंने यहाँ ड्राई राशन जो है ये ज़रूरतमंदों को बांट रहे हैं, जो दहाड़ीदार है, जो दिन में मजदूरी करते हैं, कई कारणों से उनकी मजदूरियाँ रुक गई थी, लॉकडाउन लगा था, उनकी अच्छी देखभाल हो, वो भी अपने घर में ठीक दो समय का खाना खा सके, मुझे लगता है कि इनकी पहल बहुत अच्छी है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, मैं इनको बधाई देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जम्मू में जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से लोगों का निजात हो, लोग इससे बचें, लोग इसकी इन्फेक्शन से दूर रहे और जो नियमावली है, जो नियम है, जो SOPs बने हुए हैं कि मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना, भीड़ भाड़ में इकट्ठा नहीं होना, वो हम बरकरार रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की ज़रूरतमंदों की सेवा ये करती रहेगी, यही मेरा कहना है।